नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश की बद्दी जिला पुलिस ने बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग दिन में रैकी करके बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे और टारगेट बनाए गए घरों में रात के वक्त चोरी कर लिया करते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर ये वापस लुधियाना चले जाते थे। इनके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई स्कूटी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने नालागढ़ व बद्दी में हो रही चोरियों के मामले में पंजाब के लुधियाना से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान यूपी के अमेठी निवासी 30 वर्षीय गौरव कुमार, यूपी के ही लखीमपुर खीरी निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र मिश्रा उर्फ जॉनी और बिहार निवासी 32 वर्षीय मिथिलेश कुमार यादव के रूप में हुई है। मिथिलेश नालागढ़ में चोई वाला मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर भी रहता था। तीनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाना है। कल ही हमने 2 लोगों को लुधियाना से हमारी टीम ने और एक जो लड़का है उसको नालागढ़ से जाओ गिरफ्तार किया है। तो पिछले कुछ समय में जो 3-4 चोरियों में ये अपनी संलिप्तता बता रही है। सर, इसमें कितने लोग हैं गिरफ्तारी में? अभी तक तो हमारे पास 3 लोग हैं, हो सकता है इसमें कुछ और गिरफ्तारी हो। इंटरव्यूशन की जा रही है, इनसे पूछताछ कर रही है और जैसे जो कुछ भी अपडेट होगी उसके बारे में थोड़ी देर बता देंगे। सर, थोड़ा कि लोगों के जैसे प्लम्बर का काम सुनने में आया कि प्लम्बर का काम करते थे लोगों को। हाँ, जैसे एक आरोपी जो है वो प्लम्बिंग का काम करता है, वो रैकी करता है बेसिकली घरों में, जिन घरों में उसने काम किया है। और जो अकेले घर हैं या जिनमें कोई दिन के समय में कोई रहता नहीं है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये जो है दूसरे जो लड़के थे जो इसके साथ संलिप्त हैं उनको सूचना देते थे और उन्हीं घरों को ये टारगेट करते हैं। तो सर, तीनों ही लुधियाना से पकड़े हैं? 2 लुधियाना से पकड़े हैं और एक नालागढ़ से है, स्वराष्ट्र से। नालागढ़ से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। आप हमारे प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।